दोस्तों, आज हम मोमबत्ती को जलाने का एक नया अद्भुत तरीका देखेंगे जिसको आप अपने दोस्तों के सामने आजमाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या-क्या चीजें चाहिए? आपको कुछ मोमबत्तियां चाहिए और माचिस चाहिए। तो पहला स्टेप, लाइट द कैंडल्स, यानी मोमबत्तियां जलाएं। अब अगला स्टेप, ब्लो आउट वन कैंडल, यानी एक मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अब तीसरा स्टेप, जिस मोमबत्ती को आपने बुझाया उसके धुएं के पास एक और जली हुई मोमबत्ती लेके आइए। तो चलिए अब धीमी गति में देखते हैं कि तभी क्या हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। जब हम किसी मोमबत्ती को बुझाते हैं तो उसके धुएं में वैक्स या मोम के कुछ अणु गैसीय अवस्था में मौजूद होते हैं। तो जब हम दूसरी कैंडल को इसके करीब लाते हैं तो वो अणु आग पकड़ लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन अणुओं ने आग पकड़ ली है। अब जब ये अणु आग पकड़ लेते हैं तो वह अपने आसपास के अणुओं को भी जलाते हैं और ऐसे आग फैलती जा रही है जैसे आप देख सकते हैं। और अंत में वह आग मोमबत्ती के पास पहुंच जाती है और इसीलिए मोमबत्ती वापस से जल जाती है। उम्मीद है आपको इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया होगा। यह आप अपने घर पे भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जब यह एक्सपेरिमेंट करें तो किसी बड़े की मौजूदगी में कीजिए। और हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। धन्यवाद।